नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN 24। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हजारीबाग नौ नियुक्त होमगार्ड अभ्यर्थियों के आंदोलन का 64 दिन बीत गया। पिछले वर्ष 11 दिसंबर से लगातार आंदोलन कर रहे होमगार्ड अभ्यर्थियों का आंदोलन बहुत ही मुश्किल रहा। संसाधन के अभाव में अभ्यर्थी पिछले 64 दिनों से डटे हैं। हजारीबाग जिले में हो रहे आंदोलन का असर पूरे राज्य भर में पड़ा। इस आंदोलन को तेज होने से झारखंड राज्य के चतरा, रामगढ़, बोकारो, लोहरदगा, रांची समेत अन्य 6 जिलों में लंबित नियुक्ति पत्र मिलने के बाद बारी बारी से प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। होमगार्ड अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर कई वर्षों से लंबित मामलों में गंभीरता दिखाई है। हजारीबाग होमगार्ड आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गौतम कुमार ने कहा कि रांची जिले में भी होमगार्ड नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने तत्परता दिखाते हुए नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गया, लेकिन अभी तक हजारीबाग का मामला लटका हुआ है, लेकिन अभी तक आशा में बैठे हुए हैं। शनिवार की सुबह इस मामले को लेकर होमगार्ड अभ्यर्थियों ने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से उनके आवास पर मुलाकात किया। अंबा प्रसाद ने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले मांग पूरा नहीं होता है तो सत्र के बाद हम भी धरना पर मजबूरन बैठेंगे और अभ्यर्थियों का आवाज को बुलंद करेंगे। हम सभी अभ्यर्थी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस भूख हड़ताल से जल्द उठाया जाए, हमारे रिजल्ट को बरकरार रखा जाए।